नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक नया फ्लैट लेकर के, एक नई वीडियो को लेकर के। दोस्तों आज जो फ्लैट लेके आया हूँ 80 गज का फ्लैट होने वाला है, मेन कनेक्टिविटी में मात्र 500 मीटर की दूरी है मेन रोड से और 600 मीटर की दूरी है नवादा और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से। सेंटर में आया था दोस्तों, पीपल चौक इसके एरिया को बोलते हैं, वहां पे आप लोगों के लिए फ्लैट लेके आया हूँ 80 गज का 3 BHK, जिसके अंदर लिफ्ट और कार पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, लाइट पानी सीवर सब कुछ आपको ओके मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, बहुत ही लग्जरी फ्लैट होने वाला है, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही बढ़िया सा फ्लैट है आप लोगों के लिए। एक तोहफा लेके आया हूँ रक्षाबंधन के अवसर पे, बहुत ही बढ़िया सा आप लोगों को ये फ्लैट देख के दिल खुश हो जाएगा, इतना प्यारा फ्लैट है। दोस्तों देरी न करते पूरा फ्लैट का आपको वीडियो दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि अपनी बिल्डिंग में आ चुका हूँ, उसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होने वाले हैं, 2 है 2 BHK और 2 है 3 BHK। देख सकते हैं ये पूरा स्टेज से रही है, यहाँ पे आपको लिफ्ट का प्रोविजन मिल जाएगा। अब ले चलता हूं दोस्तों अपने फ्लैट के अंदर। दोस्तों आ चुका हूं अपने फ्लैट के अंदर, आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7 सीटर सोफा रखा हुआ, 2 परफेक्ट रखे, टेबल रखे, तब भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे आप लोग देख सकते हैं इंटीरियर कितना प्यारा कर रखा है, बहुत ही बढ़िया आपका वर्क कर रखा है, वॉलपेपर का वर्क है, फैंसी आइटम का वर्क है, आप लोग देख सकते हैं ग्लास का वर्क कर रखा है, लाइटिंग का वर्क कर रखा है, पूरी वॉल को डेकोरेशन भरा हुआ है, बहुत बढ़िया सी डेकोरेशन कर रखी है पूरी वॉल पे। आप लोग देख सकते हैं जहां भी नजर घुमाएंगे आपको वॉल डेकोरेशन मिलेगा बढ़िया सा। दोस्तों आपको दिखा रहा था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, PVC वर्क मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बढ़िया सा LED पैनल मिल रहा है, जिसके अंदर आपका बड़े से बड़ा TV इंस्टॉल हो जाएगा बड़े आराम से। आप अपना बड़े से बड़ा TV ले रहा 50 इंच का, बड़े आप से इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आपको ड्रॉर्स की फैसिलिटी मिल जाती है सामान वगैरह रखने के लिए। और बात करूँ फॉल सीलिंग के डिजाइन की, देख सकते हैं कितना कमाल का फॉल सीलिंग का डिजाइन है। बीच में सैंपल में एक झूमर लगा हुआ है, 2 फैन लगाए हुए हैं, एक बार फिर से देखिएगा फॉल सीलिंग का डिजाइन इसका बहुत ही प्यारा है। दोस्तों ड्राइंग रूम के आपको दिखाता हूँ हमारा किचन। किचन आप लोग देख सकते हैं 3 BHK के अकॉर्डिंग काफी अच्छा आपको किचन मिल जाता है, एल टाइप का पूरा किचन है, व्हाइट कलर का, ब्राउन कलर का, इसमें सनमाइका का कॉम्बिनेशन दे रखा है। स्पेस की बात करो तो इतना अच्छा स्पेस है कि 3-4 लेडीज आराम से एक साथ खड़े होकर वर्क कर सकती है। इसके अंदर देख सकते हैं अपना पूरा किचन का वर्क बड़े आराम से यहाँ पे 3-4 लेडीज खड़े होकर कर सकती है। और दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक है, इसके पास आके देखिए इसका जो लुक है सनमाइका का ग्लॉसी में है, काफी ग्लॉसी में है, काफी चमकदार है। दोस्तों आपका स्टोरेज दिखा रहा था, ये देख सकते हैं काफी अच्छा स्टोरेज है इसके अंदर, आपका बहुत सारा किचन का आइटम इसमें आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, नीचे आपको बास्केट वगैरह मिल जाते हैं, मेरे ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, यहाँ आपको बड़े से बड़ा फ्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद किचन का आपको ले चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले आपको दिखा रहा था हमारा कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आप लोग देख सकते हैं पूरा टाइल का वर्क हो रखा है, सैनिटरी का वर्क हो रखा है। दोस्तों आपको ले चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर, देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसके अंदर सैंपल के लिए हमने बेड लगाया हुआ है, पीछे बढ़िया सा कोल्टिंग का वर्क कर रखा है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है बड़ी सी वार्डरोब, जिसका जो साइज है काफी अच्छा है, देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, नीचे भी स्टोरेज मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद दिखाता हूँ आपको फॉल्सिंग का डिजाइन, देखिए बहुत ही कमाल का फॉल्सिंग का डिजाइन और रखा रूम के अंदर, काफी अच्छा मेंटेन किया रखा रूम को, काफी अच्छा अच्छा डेकोरेशन कर रखी है। साथ ही आप देख सकते हैं आपको AC की फिटिंग भी मिल जाती है, उसके ठीक साथ में आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट बेडरूम, अब ले चलता हूँ आपको अपने सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम की ओर। पहले आपको दिखाऊंगा अपना मास्टर बेडरूम लेफ्ट हैंड वाला, चलते अपने सेकंड बेडरूम की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर बेडरूम के अंदर, सेकंड बेडरूम के अंदर। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का इंटीरियर कर रखा है, सिंपल के लिए बेड डाला है, दोनों तरफ आपको वार्डरोब मिल जाती है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसमें अटैच वॉशरूम मिल रहा है मास्टर बेडरूम में। तो सबसे पहले आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ, इसका वार्डरोब आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। दोस्तों ये देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, नीचे भी आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं और ये ड्रॉर्स आपको ऊपर भी मिल रहे हैं, दोनों साइड आपको सेम टाइप का वार्डरोब मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बढ़िया सा कोल्टिंग का वर्क हो रखा है। ये आपको मास्टर बेडरूम में अटैच वॉशरूम मिल रहा है, वॉशरूम के अंदर पूरा टाइल का वर्क, सैनिटरी का वर्क हो रखा है। फॉल सीलिंग की बात करो तो बढ़िया सा फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको इस रूम में भी मिल जाता है, कमाल का फॉल सीलिंग का डिजाइन हो रखा है। वेंटिलेशन के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, ये देखिए दोस्तों जो हमारी बालकनी में ओपन होती है। दोस्तों अब तो आपको ले चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम में, अपने थर्ड बेडरूम और लास्ट बेडरूम की ओर। दोस्तों आ चुके अपने थर्ड बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं सैंपल के लिए इसमें बेड डाला हुआ है, पीछे बढ़िया सा कोल्टिंग का वर्क हो रखा है, लाइटिंग का वर्क हो रखा है। एक तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको शोकेस बना के दे देते हैं, काफी अच्छा आपको
कुछ भी अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने सैंपल में रखे हुए हैं। आप चाहे तो कुछ बड़े भी रख सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस है इसमें। राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो आपको ड्रेसिंग टेबल हम लोग बना के दे रहे हैं, पूरा बढ़िया सा आपको बड़ा मिरर मिल जाता है, नीचे आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल जाते हैं अपने सामान रखने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करूँ फॉल सीलिंग डिजाइन की, देख सकते हैं इसमें भी आपको बढ़िया सा फॉल सीलिंग डिजाइन मिल रहा है। दोस्तों बेड के पोजीशन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा एक LCD पैनल, जिसके बाद आपको PVC पैनल का भी वर्क रखा है, नीचे आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों ये काफी अच्छा स्पेस है ड्रॉर का। यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए शोकेस मिल जाता है। दोस्तों इस रूम से अटैच आपको बालकनी मिल रही है, तो आपको बालकनी में ले चलते हैं। बालकनी आप कौन सा देख सकते हैं कितना प्यारा है, कोई डोर नहीं दिया है, यहाँ पे आपको दूसरे स्लाइडिंग डोर मिल रहे हैं, ये देखिए। ये हम आ चुके अपने बालकनी एरिया में, बालकनी में आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, काफी अच्छा वर्क कर रखा है बालकनी के अंदर भी, पूरा टाइलिंग का वर्क हो रखा है और ग्लास का आपको जो ग्लास की आपने ग्रिल मिल जाती है वो दोस्तों SS की ग्रिल मिल रही है इसमें। दोस्तों अभी आपने देखा मेरा 80 गज का 3 BHK का फ्लैट जो कि आपका द्वारका मोड़ के नजदीक है, पीपल चौक के पास है, बहुत ही बढ़िया सा फ्लैट है। दोस्तों इसका इंटीरियर आपने देखा कितना कमाल का हम लोगों ने कर रखा है। इसका प्राइस जानने के लिए, कोई भी डिटेल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलता है एक ऐसी वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।